नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर जो हो जाएगा, ठीक है, वो देखने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। कौन सा? बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के देखने वाले हैं जियोग्राफी, मतलब भूगोल, ठीक है। क्या देखने वाले हैं भाई? भूगोल देखने वाले हैं, भूगोल के MCQ क्वेश्चन हो जाते हैं। जियोग्राफी के यहाँ पर क्या देखने वाले हैं भाई? MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। जिन लोगों का MCQ क्वेश्चन पेपर होने वाला है उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं जियोग्राफी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के MCQ क्वेश्चनों की ओर, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो क्वेश्चनों को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हो जाता है इस प्रकार से, देखा है, भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है किसने कहा था? भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, ये किसने कहा था? ये कथन किसका हो जाएगा? तो ये कथन हो जाएगा आर्थर होम्स का। किसका हो जाएगा भाई? आर्थर होम्स का हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, कह रहा है पृथ्वी की उत्पत्ति की परिकल्पनाओं को कितने भागों में बांटा गया है? यहां पर आपको बताना है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति की परिकल्पनाओं को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया भाई? तीन भागों में बांटा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सी भाई? तीन भागों में बांटा गया है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर नहीं देखा है, ये डायरेक्टली है, ठीक है। मगर यहां से भी आपके MCQ क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहां देखा है सूर्य सौर परिवार का तारा है या फिर ग्रह है? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तारा हो जाएगा, ठीक है। ये MCQ क्वेश्चन में ही बनेंगे इस प्रकार से। आगे देखते हैं, देखा है निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो मैंने ये आपको बहुत ही डिटेल में बता रखी है निहारिका परिकल्पना के बारे में। एक बहुत बड़ा क्या था? निहारिका परिकल्पना, लॉपलॉस की निहारिका परिकल्पना, जो कैसे थी? ग्रीष्म थी और कैसी थी? बाष्प। कैसे थी भाई? ये अपनी परिकल्पना थी गैसीय, ठीक है, गैसीय थी। और यहां पर क्या हुआ? फिर यहां पर ये भ्रमण करने लगी और ग्रहों का निर्माण हुआ। मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है, ठीक है। और नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में देखा है लिंक, वहां पर आके देख सकते हो। पूरा की पूरी डिटेल में आपको पढ़ा रखा है मैंने थ्योरीज के बारे में। तो निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो लॉपलॉस के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? लॉपलॉस हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर टर्शियरी, कौन सी? टर्शियरी युग जो था, टर्शियरी युग किस कल्प का भाग है? तो ये भी मैंने पढ़ा रखा है कि टर्शियरी युग किसे कहते हैं, ठीक है। और भी बहुत युग थे, देखे थे हमने। तो कह रहा है टर्शियरी युग किस कल्प का भाग हो जाएगा? तो वो किसका हो जाएगा भाई? ये कैनोजोइक कल्प का हो जाएगा। किसका? कैनोजोइक कल्प का हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना होता है? मैंने आपको बताया था कि MCQ क्वेश्चन में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना होता है? 5.5 होता है, ये मैंने आपको बता रखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, पृथ्वी का आंतरिक परत का नाम क्या है? ये भी मैंने आपको बताई थी कि पृथ्वी की आंतरिक परत कौन सी होती है, बाहरी परत को सियोल कहते हैं ना, सारी की सारी मैंने आपको बताई थी। तो पृथ्वी का आंतरिक परत क्या कहलाती है भाई? कोर कहलाती है। कौन सा हो जाएगा? यूक्रोड, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा पृथ्वी के सौर परिवार के ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? यहां पर बताना है जो पृथ्वी के सौर परिवार की ग्रहों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 9 हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट को देखिएगा, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ज्वारीय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? जो ज्वारीय परिकल्पना थी वो किसने दी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है ज्वारीय परिकल्पना। तो ये दी थी किसने? ये दी थी जिन्स और जेम्फ्रे ने। किसने दी थी? जिन्स और जेम्फ्रे ने थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट देते हैं, सौर मंडल का लाल ग्रह है, सौर मंडल का लाल ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध है, मंगल है, या फिर शुक्र है, या फिर बृहस्पति है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये अपना हो जाएगा शुक्र, है ना। क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। सौर मंडल का लाल ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। आगे देखते हैं, चंद्रमा एक है, चंद्रमा क्या है? एक चंद्रमा क्या है? एक ये पृथ्वी का एक उपग्रह है। क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, 1919 में पृथ्वी की उत्पत्ति में ज्वारीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ज्वारीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अभी हमने देखा था जेन्स और फ्रिंके ने। तो राइट आंसर क्या जाएगा? जेन्स जीन्स ने। किसने? जेन्स जीन्स ने दी थी कौन सी? ज्वारीय परिकल्पना या फिर ज्वारीय सिद्धांत। आगे देखते हैं नेक्स्ट, कह रहा है कौन सी परिकल्पना होयल और लिटिल द्वारा प्रतिपादित है? तो कौन सी परिकल्पना जो है वो होयल और लिटिल द्वारा प्रतिपादित हो जाती है? तो यहां पर कौन सा रहने वाला है?
फटाफट देखिएगा, थोड़ा समय दिया जाएगा क्योंकि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी आंसर देखा इसके। तो यहां पर कौन सी होगा, वो हो जाएगा नौबा परिकल्पना। कौन सी हो जाएगी भाई, नौबा परिकल्पना हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का प्राचीनतम युग कौन सा है, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का प्राचीनतम युग कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, क्रिटैक्स, मायोसीन, क्रेम्बियन या फिर हो जाता है तुम्हारा कार्बोनीफेरस। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा राइट, कौन सा हो जाएगा भाई, क्रेम्बियन जो है वो प्राचीन युग है। कौन सा, क्रेम्बियन जो है वो सबसे प्राचीन युग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा आया था लास्ट में, तो मायोसीन। हाँ ठीक है, कैम्ब्रियन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 की बात, कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा है ये भी याद होना चाहिए। निकट कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा, है ना, कौन सा हो जाएगा भाई, बुध हो जाएगा। और दूर कौन सा है, दूर हो जाएगा यम। कौन हो जाएगा दूर, दूर हो जाएगा यम, जो अपना नवग्रह हो जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहां देखा है भूक्रोड का घनत्व होता है, भूक्रोड का घनत्व कितना होता है ये बताइएगा। भूक्रोड का मतलब भू की जो कोर होती है उसका घनत्व कितना होता है, मैंने आपको बताया था कितना होता है, 8 से 11 होता है। कितना होता है भाई, 8 से 11 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, मैग्मा को, मैग्मा जो पृथ्वी की आंतरिक परतों से निकलकर सतह पर जमने पर कहलाता है, क्या कहलाता है। जो मैग्मा होता है पृथ्वी की सतह पर निकलने के बाद जब वह सतह पर जम जाता है तो उसे क्या कहते हैं, लोएस, लाबा, क्वार्टज या फिर स्लीकेट। तो उसे क्या कहेंगे भाई, लाबा कहते हैं। क्या कहते हैं, लाबा यहां पर कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, क्या कहते हैं भाई उसे, लाबा कहते हैं। आगे देखिएगा, कह रहा है जुरासिक युग किस कल्प से संबंधित है, जो जुरासिक युग है वह किस कल्प से संबंधित हो जाता है। यहां देखिएगा कौन सा राइट रहने वाला है, प्रीकेम्बियन या फिर हो जाता है तुम्हारा पेलियोजोइक या मेसोजोइक या फिर हो जाएगा कैनोजोइक। तो यहां पर राइट आंसर भी क्या रहने वाला है, यहां पर राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो हो जाएगा तुम्हारा मेसोजोइक हो जाएगा, जिसमें किस क्या आए थे, कंगारू, कंगारू वगैरह हो जाते हैं ना। तो ये किसमें आए थे, जुरासिक युग के अंतर्गत आए थे, कंगारू वगैरह आपने मूवी देखी होगी। तो वो किसमें आता है, जो कल्प होता है वो मेसोजोइक कल्प के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर बंद रखा है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक थे, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था वह किसने दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैगनर ने दिया था। किसने दिया था भाई, वैगनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड रखा है तुम्हारा, भू संतुलन या समस्थिति, क्या भू संतुलन या समस्थिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, भू संतुलन या समस्थिति, समस्थिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो वह कौन हो जाएंगे, ये हो जाते हैं डट्टन द्वारा, है ना, डट्टन जी हो जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा डट्टन जी। आगे देखते हैं, सबसे तीव्र गति वाली भूकंपीय लहरें हैं, सबसे तीव्र गति वाली भूकंपीय लहरें कौन हो जाएंगी। तो मैंने बताया था एस क्या होती हैं, हल्की होती हैं, मगर पी क्या होती हैं, ये पृथ्वी के कोर तक, क्या है, पृथ्वी के कोर तक, है ना, कोर से भी निकल जाती हैं और ये अपनी दिशाएं क्या हो जाती हैं, वृत्तीय रूप में ग्रहण कर लेती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, पी लहरें हो जाएंगी। कौन सी, पी लहरें हो जाएंगी। आंखें देखेगा, यहां कह रहा है विश्व में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी मिलते हैं, तो विश्व में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहां मिलते हैं, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये हो जाएगा परिप्रशांत, क्या हो जाएगा, परिप्रशांत पेटी के अंतर्गत। कहां मिलेंगे भाई, परिप्रशांत पेटी के अंतर्गत मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी कौन सा है, सबसे ज्यादा विनाशकारी ज्वालामुखी कौन सा होता है, तो वह उसका नाम क्या होगा, देखिएगा उसका नाम होता है पिलियन ज्वालामुखी। कौन सा होता है भाई, पिलियन ज्वालामुखी जो होता है सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहां रखा है तुम्हारा, मोड़दार पर्वतों के निर्माण में सबसे मान्य परिकल्पना कौन सी है, मोड़दार जो पर्वत होते हैं उनके निर्माण में सबसे मान्य परिकल्पना कौन सी हो जाएगी, तो वह हो जाएगी महाद्वीपीय विस्थापन पर आधारित परिकल्पना। कौन सी, महाद्वीपीय विस्थापन पर आधारित परिकल्पना हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मोड़दार पर्वतों का निर्माण किन द्रोणियों में हुआ है, जो मोड़दार पर्वत हैं उनका निर्माण किन द्रोणियों में हुआ है, तो किसमें हुआ है भाई, ये हुआ है तुम्हारा ज्योसीन क्लाइन। कौन सा, ज्योसीन क्लाइन बा
भू संततियों में, किसमें, जुसीन क्लाइन, या कह सकते हैं भू संततियों में निर्माण हुआ है, किसका, मोरदार पर्वतों का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है मोरदार पर्वतों के निर्माण में कौन सी हलचल अधिक प्रभावी है, तो मोरदार पर्वतों के निर्माण में कौन सी हलचल अधिक प्रभावी हो जाएगी वो आपको बताना है, तो कौन सी हो जाएगी, महाद्वीपीय संचलन हो जाएगी, ये अधिक प्रभावी हो जाती है, कौन सा, महाद्वीपीय संचलन अधिक प्रभावी हो जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट को, देखिए याद रखा है येरी, येरी एवं प्रिंट, कौन है, येरी एवं प्रिंट भूवैज्ञानिक किसके लिए जाने जाते हैं, येरी जो और प्रिंट है वो भूवैज्ञानिक किसके लिए जाने जाते हैं आपको बताना है, तो भू संतुलन के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। भू संतुलन का सिद्धांत किसने दिया था, येरी और प्रिंट ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, यहां देखा है संवहन धारा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, संवहन धारा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं आर्थर होम्स, कौन हो जाएंगे भाई, आर्थर होम्स हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब तो भाई क्वेश्चन का आंसर जिएगा क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर, क्वेश्चन नंबर वन यहां पर क्या रहने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा छोटा करते हैं, बहुत तगड़ा दिख रहा है यहां पर, बिल्कुल आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर वन का, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर देना है कि महाद्वीपों की उत्पत्ति का नवीनतम सिद्धांत है, महाद्वीपों की उत्पत्ति का नवीनतम सिद्धांत इनमें से कौन सा हो जाएगा, चतुष्फलकीय हो जाएगा, संवहन धारा, महाद्वीपीय विस्थापन, या फिर प्लेट विवर्तनिकी हो जाएगा। तो महाद्वीपों की उत्पत्ति का नवीनतम जो सिद्धांत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लेट विवर्तन विवर्तनिकी हो जाएगा, कौन सा, प्लेट विवर्तनिकी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भू संतुलन शब्द का प्रयोग 1859 में किसने किया था, भू संतुलन शब्द का प्रयोग 1859 में किसने किया था, यहां पर आपको बताना है, डट्टन जी ने, मॉर्गन ने, या फिर स्टीयर्स में, या फिर हो जाता है तुम्हारा बुलरिज ने, तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो किसने दिया था भाई, डट्टन जी ने दिया था भू संतुलन शब्द। ठीक है, कब दिया था, डट्टन जी ने दिया था 1859 में। आगे बढ़ते हैं, महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित चतुष्फलक सिद्धांत के जनक हैं, चतुष्फलक सिद्धांत के जनक कौन हैं आपको यहां पर बताना था, तो पहला दे रखा है तुम्हारा लोथियन ग्रीन, या फिर बैगनर, होम्स, या फिर डेविस हो जाते हैं। जो चतुष्फलक सिद्धांत किसने दिया था, वह दिया था लोथियन ग्रीन ने, किसने, लोथियन ग्रीन ने दिया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भूकंपीय तरंगों में सबसे अधिक गति वाली होती है, भूकंपीय तरंगों में सबसे अधिक गति वाली होती हैं कौन सी होती हैं, द्वितीय तरंगे, प्राथमिक तरंगे, या धरातलीय तरंगे, या फिर आंतरिक धब्बे, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, जो प्राथमिक तरंगे होती हैं वो सबसे ज्यादा गतिशील होती हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पृथ्वी के भूगर्भिक, कौन सा है, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का प्राचीनतम युग कौन सा है, कह रहा है पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का प्राचीनतम युग कौन सा हो जाएगा, पहला दे रखा है क्रेटेसस, मायोसिस, क्रेम्बियन, या फिर हो जाता है कार्बोनी फेरस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल, तो कौन सा हो जाएगा, कह रहा है पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का प्राचीनतम युग कौन सा है, क्रेम्बियन हो जाएगा, इससे पहले भी हमने देख रखा है क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रभा सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, जो प्रभा सिद्धांत है वो किसने प्रस्तुत किया, यहां पर आपको बताना है, पहला दे रखा है लोथियन ग्रीन, ए बैगनर, जे डब्ल्यू ग्रेगरी, या फिर हो जाता है डट्टन जी ने, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, तो प्रभा सिद्धांत दिया था वह किसने दिया था, वो दिया था ए बैगनर ने, किसने दिया था भाई, ए बैगनर ने दिया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ज्वालामुखी मुख से निकलता है, ज्वालामुखी मुख से क्या निकलता है भाई, पिघलता लावा निकलता है, बिल्कुल सही बात है, गैसे निकलती हैं भाई, गैसे भी निकलती हैं, धुआं और जलवाष्प निकलता है, बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये सभी चीजें निकलती हैं, घा यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रखा है धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है, जो हमारी धरातल है उसके नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है, लावा कहलाती है, या फिर लेकोलिथ, या फिर हो जाती है फेकोलिथ, या फिर मैग्मा, तो यहां पर कौन सा राइट होगा, देखो धरातल के नीचे पिघली चट्टान होती है उसे तो कहते हैं मैग्मा, जब ये ज्वालामुखी के अनुसार बाहर निकलती है तो जम जाती है, ठीक है, तो इसे कहते हैं जो लावा निकल सॉरी जब ये पृथ्वी से बाहर निकलती है तो इसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं, और वैसे पृथ्वी के अंदर होगी चट्टान के रूप में तो इसे मैग्मा कहते हैं। आगे दे रखा है, मोरदार पर्वतों के निर्माण के संबंध में भू संतति संकल्पना किस सिद्धांत ने प्रतिपादित की थी, यहां पर आपको बताना है, भू संतति संकल्पना
किस सिद्धांत के किस विद्वान ने प्रतिपादित की थी, यहां पर आपको बताना है तो कौन सा हो जाएगा राइट, ठीक है, कोबर ने, बैगनर ने, डेली ने या फिर होम्स ने। तो मोहदार पर्वतों के निर्माण के संबंध में भूसंतरी संकल्पना किस विद्वान ने प्रतिपादित की थी, तो वह कौन हो जाते हैं भाई, वह हो जाते हैं कोबर जी। कौन हो जाते हैं, वह हो जाते हैं कोबर जी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अमेरिकन खगोल बेता कौन है, अमेरिकन खगोल बेता का नाम बताइए जिसने सन 1859 में भूसंतुलन शब्द का प्रयोग किया था। तो इससे पहले भी ये क्वेश्चन हमने देख रखा है, तो राइट आंसर कौन सा होगा भाई, डट्टन जी हो जाएंगे। डट्टन ने कौन सा दिया था, भू संतुलन शब्द का प्रयोग किया था डट्टन जी ने, राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहां देखा है संवहन धारा सिद्धांत का संवहन संबंध है, संवहन धारा सिद्धांत का संबंध किससे है, ज्वालामुखी से, पर्वत निर्माण से, भूकंप से या फिर वायु राशियों से। तो यहां पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है भाई, संवहन धारा सिद्धांत का संबंध किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पर्वत निर्माण से, किससे हो जाएगा, पर्वत निर्माण से हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, याद रखा है मार्गन ने विश्व में कितने प्राचीन विशाल खंड बतलाए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं मॉर्गन ने विश्व में कितने प्राचीन विशाल विशाल खंड दर्शाए हैं, तो वह कितने हो जाते हैं, यहां पर आपको आंसर देना है 6, 10, 5 या फिर 16। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 6 दर्शाए हैं, ठीक है, मॉर्गन के अनुसार। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है स्ट्रोम्बोली कौन है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस क्षेत्र में स्थित है, तो इसको आंसर देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, तो ये कहां पर है भाई, बिल्कुल पहला दे रखा है लियारी द्वीप में, हवाई द्वीप में, जापान में या फिर हो जाता है बरमुंडा द्वीप में। तो जो अपना हो जाता है कौन सा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस क्षेत्र में हो जाएगा, तो ये लियारी द्वीप में हो जाएगा, किसमें, लियारी द्वीप में हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा अपना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर, हाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है, थोड़ा सा भाई इसको छोटा करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्या करते हैं इसको छोटा करते हैं, कुछ ज्यादा ही बड़ा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वन की ओर, क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है अनाच्छादन, क्या है अनाच्छादन में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है आपको बताना है, अनाच्छादन में सम्मिलित हो जाएगा कौन सा, क्या हो जाएगा सम्मिलित भाई, अपक्षय और अपरदन हो जाएगा, हो जाएगा अपक्षय और अपरदन हो जाएगा, अनाच्छादन में कौन सम्मिलित है, अपक्षय और अपरदन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अपक्षय और अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं जो कि आपको याद हो जाए, ठीक है, जो कि आपको याद हो जाए। फिर बात करते हैं, एक स्थलाकृति संरचना प्रक्रम तथा अवस्था एक प्रतिफल है, ये किसने कहा था, ये देखा एक स्थलाकृति संरचना प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल है, ये किसने कहा था, तो ये किसने कहा था भाई, डेविस जी ने कहा था, किसने कहा था भाई, डेविस जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विभिन्न अपवाह क्षेत्रों को पृथक किया जाता है, जो विभिन्न अपवाह क्षेत्र हैं उन्हें किसके द्वारा पृथक किया जाता है, ये आपसे पूछ रखा है, तो किसके द्वारा, जल विभाजक के द्वारा पृथक किया जाता है, किसके, जल विभाजक के द्वारा पृथक किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है तुम्हारा सामान्य अपरदन चक्र को, किसको, सामान्य अपरदन चक्र को सबसे प्रथम किसने प्रस्तुत किया था, सामान्य अपरदन चक्र को सबसे प्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो वह कौन हो जाएंगे भाई, डब्ल्यू एम डेविस जी हो जाएंगे, कौन आएंगे, डब्ल्यू एम डेविस जी यहां पर हो जाएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पूछ रखा है, डेविस महोदय ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, जो डेविस महोदय हैं उन्होंने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, तो वह हो जाता है सामान्य अपरदन को, किसके, सामान्य अपरदन को भाई प्रस्तुत किया है, राइट आंसर हो जाएगा सामान्य अपरदन चक्र। आगे देखते हैं, कह रहे हैं डेविस महोदय ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सामान्य अपरदन चक्र के लिए इन्होंने प्रस्तुत किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, बलन के निर्माण में, क्या, बलन के निर्माण में कौन सी भूगर्भित क्रिया प्रभावी होती है, जो बलन का निर्माण होता है उसमें कौन सी भूगर्भिक क्रिया प्रभावी होती है, तो वह कौन सी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी संपीड़न द्वारा बलन का निर्माण होता है, क्या, संपीड़न, संपीड़न द्वारा बलन का निर्माण होता है।
तो राइट आंसर हो जाएगा संपीड़न द्वारा बलन का निर्माण होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, भ्रम की उत्पत्ति में किस भूगर्भिक क्रिया का प्रमुख योगदान है। तो भ्रम की जो उत्पत्ति होती है उसमें किस भूगर्भिक क्रिया का प्रमुख योगदान होता है, तो वो आपको बताना, तो किसका होगा, संचलन भूगर्भिक क्रिया में खिंचाव या तनाव का प्रमुख योगदान होता है। कह रहा है संचलन भूगर्भिक क्रिया में खिंचाव या तनाव का प्रमुख योगदान होता है, तो राइट आंसर अपना ये हो जाएगा। आगे देख रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, अनाच्छादन किन दो भागों में विभाजित है। इससे पहले हम देखा था पहला हो जाएगा अपचय और हो जाएगा अपरदन, दो भागों में विभाजित किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, अपवाह तंत्र के विकास में क्या, अपवाह तंत्र के विकास में किस बृहशक्ति की प्रमुख भूमिका है। जो अपवाह तंत्र के विकास में किस बृहशक्ति की भूमिका हो जाती है, तो किसकी होगी, प्रवाही जल या किसकी हो जाएगी भाई, नदियों का हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, अपवाह किससे होगा, अपवाह जो होगा वो नदियों के द्वारा, जल के द्वारा होगा, ठीक है। तो यहां पर प्रवाही जल कह सकते हैं या फिर नदियां कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपचय मुख्यता, जो अपचय है वह मुख्यता कितने प्रकार का होता है, अपचय मुख्यता कितने प्रकार का होता है, तो मुख्यता दो प्रकार का होता है, एक होता है भौतिक अपचय और एक होता है रासायनिक अपचय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है भूपृष्ठ पर स्थलाकृतियों के विकास व उत्थान में प्राय कितनी अवस्थाएं होती हैं। भूपृष्ठ पर स्थलाकृतियों के विकास व उत्थान में प्राय कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो ये अवस्थाएं होती हैं कितनी, तीन अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था। तो तीन अवस्थाएं हमें क्या होती है भाई, देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अग्रण्य चट्टानों के निर्माण में किस भूगर्भिक पदार्थ की प्रमुख भूमिका रही है। जो अग्रण्य चट्टाने हैं उनमें कह रहा है भूगर्भिक पदार्थ की भूमिका रही है, किसकी रही है भाई, वो रही है अपने लावा या मैग्मा की, किसकी, लावा या मैग्मा की। क्योंकि अग्रण्य चट्टाने क्या होती हैं, जो सतह बनाती हैं पृथ्वी की, ठीक है। तो भाई कौन बनाएंगी, लावा और मैग्मा बनाती है। आगे देखते हैं, यहां दे रखा है परतदार अवसादी, या फिर कह सकते हैं परतदार, या कह सकते हैं अवसादी चट्टानों में सबसे बड़ा योगदान किसका है। जो परतदार तथा अवसादी चट्टाने हैं उनमें सबसे बड़ा योगदान किसका हो जाएगा, तो वह हो जाएगा प्रवाही जल या फिर नदियों के द्वारा बहाई गई मिट्टियों का हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रवाही जल और नदियों का हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं, संगमरमर चट्टान किस रूप, किस वर्ग की चट्टान है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है संगमरमर, बार बार पूछाता है, संगमरमर चट्टान किस वर्ग की चट्टान है, तो ये कायांतित कह सकते हैं या फिर रूपांतरित चट्टान हो जाती है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। चाहे कायांतरित चट्टान कह दो, चाहे रूपांतरित चट्टान कह दो, तो संगमरमर चट्टान किसकी है, कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टान का वर्ग है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को इस वर्ग में ही रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, पृथ्वी के क्रस्ट के निर्माण में सबसे प्रमुख है, पृथ्वी का जो क्रस्ट है इसके निर्माण में सबसे प्रमुख कौन हो जाती है। तो अभी हमने कौन सी देखी थी, अग्रण्य चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या फिर लोह चट्टान। मैंने बताया था पृथ्वी की जो अपना हो जाती है ऊपरी परत, ठीक है, उसका निर्माण किससे होता है, अग्रण्य चट्टानों से हुआ है, लावा और मैग्मा से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी अग्रण्य चट्टान है, अग्रण्य चट्टान कौन सी है, चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट या फिर हो जाता है स्लेट। तो राइट आंसर क्या लेने वाला भी, तो आपको पता है जो अग्रण्य चट्टान कौन सी हो जाएगी, अग्रण्य चट्टान हो जाएगी यहाँ पर ग्रेनाइट। कौन हो जाएगी भाई, ग्रेनाइट हो जाएगी अग्रण्य चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कागलोमरेट किस प्रकार की चट्टान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी है ना, कागलोमरेट किस प्रकार की चट्टान है, कैसी है, अग्रण्य, कायांतरित, अवसादी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कैसे हो जाएगी, जो कागलोमरेट है वो अवसादी चट्टान हो जाएगी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। नेक्स्ट की बात करते हैं, सामान्य अपरदन चक्र की संकल्पना के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सामान्य अपरदन चक्र की संकल्पना के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन है, पेंक जी हैं, होम्स हैं, डेविस जी हैं या फिर कोबर हैं, कौन है यहाँ पर राइट आंसर देना है। तो इसको हमने इससे पहले भी देख रखा है कि सामान्य अपरदन चक्र जो है वो किसने दिया था, डेविस जी ने दिया था, किसने दिया था, डेविस जी ने दिया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। नेक्स्ट की बात करते हैं,
ब्रंश घाटी का सबसे प्रमुख उदाहरण है। तो ब्रंश घाटी का सबसे प्रमुख उदाहरण कौन सा हो जाएगा? नर्मदा घाटी, ताप्ती नदी घाटी, या फिर हो जाता है तुम्हारा फरात नदी घाटी, या फिर मृत घाटी। तो यहां पर कौन सा राइट रहने वाला है? देखो, ब्रंश घाटी का सबसे प्रमुख उदाहरण कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा मृत घाटी। क्या हो जाएगा? मृत घाटी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट की बात करते हैं, ब्रंश का निर्माण होता है, ब्रंश का निर्माण किससे होता है? रासायनिक अपक्षय से, भौतिक अपक्षय से, तनाव से, या फिर संपीड़न से। तो यहां पर राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो भ्रंश का जो निर्माण होता है वह किससे होता है भाई? तनाव से होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखिएगा, नेक्स्ट का आंसर क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 7 देखा है, बलन के उत्थान में प्रमुख भूमिका है। जो बलन के उत्थान है उनमें प्रमुख भूमिका किसकी है? हिमानी की, या फिर नदी की, खिंचाव की, संपीड़न की। राइट आंसर क्या रहने वाला है? बात करते हैं, बलन के उत्थान में प्रमुख भूमिका किसकी हो जाएगी? भाई संपीड़न की होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सामान्य अपरदन चक्र द्वारा स्थलाकृतियों के विकास की प्रमुख अवस्थाएं हैं कौन सी हैं? कितनी हैं ये आपको बताना है, 3 हैं, 5 हैं, 6 हैं, या फिर 2 हैं? सामान्य अपरदन चक्र द्वारा स्थलाकृतियों के विकास की प्रमुख अवस्थाएं कितनी हो जाती हैं? तो वह हो जाएंगी बी, कितनी? 3 हो जाएंगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, नर्मदा नदी घाटी का विकास प्रमुख हुआ है। नर्मदा नदी घाटी का विकास प्रमुख हुआ है, किससे हुआ है? नदी द्वारा, भ्रंश द्वारा, संपीड़न द्वारा, या फिर हो जाता है अनच्छादन द्वारा। राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो नदी जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी घाटी का जो विकास है वो किससे हुआ है? भ्रंश द्वारा हुआ है। किससे हुआ है भाई? भ्रंश द्वारा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है, संरचना प्रक्रम और अवस्था किसका प्रतिफल है? संरचना प्रक्रम और अवस्था किसका प्रतिफल है? तो संवहन का, विस्थापन का, सामान्य अपरदन चक्र का, या फिर हो जाता है भू संतुलन का। राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो संरचना प्रक्रम और अवस्था किसका प्रतिफल हो जाएंगे? ये हो जाएंगे सामान्य अपरदन चक्र का। किसका? सामान्य अपरदन चक्र का, जो किसने दिया था? डेविस जी ने दिया था। आगे देखते हैं, ये कह रहा है अपवाह तंत्र का विकास होता है। अपवाह तंत्र का विकास किससे होता है? नदी, हिमानी, वायु, या फिर समुद्री लहरों द्वारा। तो यहां पर कौन सा राइट हो जाएगा? अपवाह तंत्र का विकास किससे हुआ है ये अपने पहले भी पढ़ा था। किससे होगा भाई? नदियों तथा जल के प्रवाह से होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का यहां पर राइट होगा, नदी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का यहां पर आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या रहने वाला है? ठीक है, यहां पर फिर हमें थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कलर क्या करना पड़ेगा भाई? चेंज करना पड़ेगा। राइट आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या रहने वाला है? देखा है, विभिन्न अपवाह क्षेत्रों को पृथक किया जाता है। विभिन्न अपवाह क्षेत्रों को पृथक किया जाता है। किससे पृथक किया जाता है? जल विभाजन के द्वारा पृथक किया जाता है। किसके? जल विभाजन के द्वारा। अपवाह क्षेत्र अभी हमने देखा था, जल विभाजन के ही द्वारा अपवाह होता है, नदियां तथा जो प्रवाह जल होता है उसके द्वारा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है तुम्हारा यारडांग कौन सा है? यारडांग भू आकृति किसके द्वारा निर्मित होती है ये आपको बताना है। जो यारडांग भू आकृति होती है वह किसके द्वारा निर्मित होती है? तो यह होती है वायु प्रवाह अपरदन के द्वारा। किसके? वायु प्रवाह अपरदन के द्वारा। इस प्रकार से याद रख सकते हैं, यहां पर या है और वायु में भी आपको या देखने को मिलेगा, याद हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सामान्य अपरदन चक्र को सबसे प्रथम किसने प्रस्तुत किया? सामान्य अपरदन चक्र को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो यह क्वेश्चन हमने देख रखा है। तो किसने किया था? डेविस ने किया था। किसने? W.M. डेविस ने किया था। आगे देखते हैं, नदी अपरदन के द्वारा निर्मित भू आकृति का नाम है। नदी अपरदन के द्वारा निर्मित भू आकृति का नाम कौन सा हो जाएगा? समप्राय मैदान। कौन सा हो जाएगा भाई? समप्राय मैदान हो जाएगा। नदी कैसी बनाएगी? नदी एक मैदान बनाएगी। नदी जब पानी लेके आएगी, बहाव करके आएगी, वो एक तरफ से क्या होती है? काटते आती है, और एक तरफ क्या होती है? मैदान बनाते हुए जाती है। तो इस प्रकार से याद हो जाएगा, नदी अपरदन के प्रवाह निर्मित भू आकृति कौन सी होती है भाई? मैदान बनाएगी। सीधी बात, तो कैसा? समप्राय मैदान बनाएगी। आगे देखते हैं, देखा है वायु के द्वारा निक्षेपित सबसे प्रमुख भू आकृति है। तो वायु के द्वारा निक्षेपित सबसे प्रमुख भू आकृति कौन सी हो जाएगी? किसके? वायु के द्वारा हो जाएगी बरखान। कौन सी हो जाएगी भाई? बरखान हो जाएगी। अगर पूछ ले सबसे प्रमुख भू आकृति कौन सी है, तो वह कौन सी होगी भाई? बरखान होगी। ठीक है, किसके द्वारा? वायु के द्वारा होगी। तो बा यहां पर भी देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है भूमिगत जल के क्या? भूमिगत जल के निक्षेपण का अंतिम भू आकार है। भूमिगत जल के निक्षेपण का अंतिम भू आकार क्या होता है? तो वो होता है भू स्तंभ। क्या होता है भाई?
भू स्तंभ होता है, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हिमानी द्वारा निक्षेपित, कौन सा, हिमानी द्वारा निक्षेपित हिमानी द्वारा निक्षेपित अवसाद को क्या कहा जाता है? तो हिमानी द्वारा निक्षेपित अवसाद को क्या कहा जाएगा भाई? हिमोड कहा जाए, क्या कहेगा? हिमोड कहा जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, उर्मिकाएं किसके द्वारा विकसित होती हैं? जो उर्मिकाएं होती हैं वह किसके द्वारा विकसित होती हैं? तो वह होती हैं वायु प्रवाह एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में, किसमें? वायु प्रवाह एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में विकसित होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हिमग्रहण कौन सा है? हिमग्रहण है ना, हिमग्रहण किसके द्वारा निर्मित भू आकृति है? हिमग्रहण किसके द्वारा निर्मित भू आकृति हो जाती है? तो वो जाती है हिमानी द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में। कहां पर होगी? पर्वतीय क्षेत्रों में होगी, मगर होगी किसके द्वारा? हिमानी के द्वारा होगी, नाम में ही छुपा हुआ है, हिमग और हिमानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, संप्राय मैदान का, क्या संप्रदाय मैदान का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? अब नदी की बात तो यहां पर होगी, नदी मैदान बनाती है, मगर कह रहा है किस अवस्था में होता है, यहां पर अवस्था पूछ रखी है, तो किसमें होगा भाई? वृद्धावस्था में होगा। किसमें? वृद्धावस्था में होगा, जब एक नदी यहां से निकल जाएगी, है ना, पहले यहां से गुजरती थी, अब यहां से निकलकर अलग चली गई, तो ये मैदान क्या हो गया? वृद्धा हो गया। कैसा हो गया? वृद्धा हो गया, नदी का ये वृद्ध मैदान हो गया, मतलब पुराना मैदान हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वृद्धावस्था में इनका निर्माण होता है, संप्राय मैदान का। आगे बढ़ते हैं, रखा है तुम्हारा एस्चुरी भू आकृति कहां पर बनती है? जो एस्चुरी भू आकृति होती है वह कहां पर बनती है, ये आपको बताना था। तो समुद्र तटीय नदी समागम क्षेत्र में बनती है। एस्चुरी भू आकृति कहां बनती है? समुद्र तटीय नदी समागम क्षेत्र में बनती है, जहां पर नदियों का संगम होता है। आगे देखते हैं, और समुद्र में गिरती हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, छत्रक शिला कौन सा है? छत्रक शिला का निर्माण किसके द्वारा होता है? छत्रक शिला का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये किसके? वायु के द्वारा मरुस्थलों में होता है। किसके? वायु के द्वारा मरुस्थलों में होता है। आगे देखते हैं, बालू का स्तूप कौन सा है? बालू का स्तूप गतिशील होते हैं या फिर स्थिर रहते हैं? तो वायु के स्तूप जो होते हैं वो गतिशील होते हैं या फिर स्थिर होते हैं, आपसे पूछ रखा है। तो ये कैसे होते हैं भाई? गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि बरखान भू आकृति अपरदन के कारण विकसित है। कैसा है? बरखान भू आकृति अपरदन के द्वारा विकसित है या फिर निक्षेपण के द्वारा विकसित है? तो बरखान जो होती है वो किसके द्वारा है? इतने तो पता है, वायु द्वारा निर्मित एक प्रमुख भू आकृति है, मगर वो कह रहा है ये मतलब इसके विकसित होती है, किसके? अपरदन से विकसित होती है या फिर निक्षेपण से होती है? तो किसके द्वारा होगी? वायु द्वारा रेत के निक्षेपण के द्वारा होती है। किसके? वायु द्वारा रेत के निक्षेपण के द्वारा होती है। अगले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यहां देखा है, गार्ज नदी द्वारा किस अवस्था में बनता है? जो गार्ज होता है वो नदी द्वारा किस अवस्था में बनाया जाता है, ये आपको बताना है। वृद्धावस्था, प्रौण अवस्था, वृद्धा अवस्था या फिर युवावस्था, कौन सा यहां पर राइट रहने वाला है? भी बिल्कुल, तो यहां पर जो गार्ज होता है वो नदी के किस द्वारा किस अवस्था में बनता है? तो वह बन जाएगा युवावस्था में। किसमें? युवावस्था में बनता है। आगे देखते हैं, गाटा या छत्रक कौन सा है? गाटा या छत्रक का निर्माण होता है किससे होता है, यहां पर आपको बताना है। भूमिगत जल से, नदी से, पवन से या फिर हिमानी से? तो अभी हमने देखा था किससे होता है गाटा और छत्रक का निर्माण, वह होता है भाई पवन से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। नेक्स्ट को देखो, इनमें कौन सा भू आकृति हिमानी द्वारा निर्मित है? इनमें से कौन सी भू आकृति हिमानी द्वारा निर्मित है? तो कौन सी हो जाएगी? बिलियन रंध, छत्रक, शर्क या फिर हो जाएगी कैनियन? तो यहां पर कौन सा हो जाएगा राइट? देखो, छत्रक तो किससे हो जाएगी? वायु के द्वारा हो जाएगी, मगर वो कह रहा है हिमानी के द्वारा। तो हिमानी के द्वारा कौन सी हो जाएगी? सर्क हो जाएगी। कौन सी? सर्क हो जाएगी, हिमानी के द्वारा निर्मित आकृति। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिए क्या कह रहा है। पासर्ब हिमोड़ किसके द्वारा निक्षेपित होता है? जो पासर्ब हिमोड़ होता है वह किसके द्वारा निर्मित होता है? पहले देखा है, प्रवाही जल द्वारा, वायु द्वारा, हिमनदी द्वारा या फिर भूमिगत जल के द्वारा? तो यहां पर कौन सा राइट रहने वाला है? तो पासर्ब हिमोड़ किसके द्वारा निक्षेपित होता है? तो यह हो जाएगा हिमनदी के द्वारा। किसके? हिमनदी के द्वारा
निक्षेपित होता है। आगे देखते हैं बरखान किस क्षेत्र में बनते हैं। बरखान जो होते हैं वह किस क्षेत्र में बनते हैं, हमने देखा था कि वायु के द्वारा रेगिस्तान में बनते हैं, मरुस्थल में बनते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हिमानी द्वारा निक्षेपित पदार्थ को कहा जाता है, जो हिमानी द्वारा निक्षेपित पदार्थ को क्या कहते हैं, अवशिष्ट, जलोढ़, अवसाद या फिर हिमोढ़, तो यहां पर कौन सा राइट हो जाएगा। तो यह भी क्वेश्चन हमने पहले देख रखा है। तो हिमानी द्वारा निक्षेपित जो पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, हिमोढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, हिमोढ़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा सेवन, कह रहा है तुम्हारा कासर्ट, ठीक है, कास्ट होगा कास्ट। कास्ट फोटोग्राफी के निर्माण में प्रमुख योगदान है, जो कास्ट फोटोग्राफी के निर्माण में प्रमुख योगदान होता है किसका, हिमानी का, भूमिगत जल का, नदी का या फिर समुद्री लहरों का। तो किसका होगा भाई, भूमिगत जल का निर्माण होता है कास्ट फोटोग्राफी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, यू आकृति। यू आकृति कह रखा है, यू आकृति की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, यहां पर आपको बताना है, वायु, नदी, हिमानी या फिर भूमिगत जल के द्वारा। तो यू आकार जो होती है वो घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, यह हिमानी के द्वारा होता है। किसके, हिमानी के द्वारा होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। नेक्स्ट को देखो, भारत का सबसे गहरा गार्ज किस नदी द्वारा निर्मित है, भारत का सबसे गहरा गार्ज किस नदी द्वारा निर्मित है, सिंधु, सतलज, ब्यास या फिर झेलम, तो यहां पर कौन सा राइट हो जाएगा। तो वह कौन सा हो जाएगा भाई, सिंधु द्वारा है। किसे, सिंधु द्वारा हो जाएगा सबसे गहरा गार्ज, ठीक है। आगे देखते हैं, और यह युवावस्था में बनता है। नेक्स्ट को देखते हैं, पुल एवं खिड़की, क्या रखा है, पुल एवं खिड़की का निर्माण किस शक्ति द्वारा होता है, वायु, समुद्री लहरें, ज्वालामुखी या फिर नदी के द्वारा। तो पुल तथा खिड़की का निर्माण किस शक्ति द्वारा होता है, तो याद कर सकते हैं पुल की, यहाँ पर कह रहा है पुल, पुल से क्या आएगा, पानी आएगा भाई, पुल से पानी नहीं आएगा, आप याद कर लेना कि क्या आएगा भी, हवा आएगी, ठीक है। और खिड़की से क्या आती है, खिड़की से तो हवा आती है, तो वायु हमें याद रहेगा, तो यहाँ पर राइट आंसर वायु हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्टैगमाइन कौन सा है, स्टैगमाइन भू आकृति किसके द्वारा निर्मित है, स्टैगमाइन भू आकृति किसके द्वारा निर्मित है, यहाँ पर बताना है। पहला देखा है समुद्री लहरें, भूमिगत जल, हिमानी या फिर वायु। तो स्टैगमाइन जो भू आकृति है वह हो जाएगी भूमिगत जल के द्वारा निर्मित, ठीक है। तो आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट नेक्स्ट यूनिट का, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा देखा है, वायुमंडल की सबसे निचली परत किस नाम से जानी जाती है, वायुमंडल की सबसे निचली परत किस नाम से जानी जाती है, तो उसे क्षोभ मंडल कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, परिवर्तन मंडल भी इसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, नंबर नहीं देखा है कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहां पर क्षोभ मंडल और परिवर्तन मंडल हो जाएगा। क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ओयन मंडल, फिर महामंडल आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखा है वर्ष पर्यंत सूर्य की किरणें किस क्षेत्र में लंबवत पड़ती हैं, वर्ष पर्यंत सूर्य की किरणें किस क्षेत्र में लंबवत पड़ती हैं, तो वह हो जाएगा विषुवत रेखीय क्षेत्र में पड़ती हैं। कहां पर पड़ती हैं भाई, वर्ष पर्यंत सूर्य की किरणें किस क्षेत्र में पड़ती हैं, तो वह हो जाएंगी विषुवत रेखीय क्षेत्र में पड़ती हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सौर कलंकों, क्या दे रखा है, सौर कलंकों की संख्या बढ़ने पर सूर्य से तापमान प्राप्ति की स्थिति है, तो वह कितनी है आपको बताना है, अधिक ताप प्राप्ति की है। देखो यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन कुछ अटपटा दे रखा है कि सौर कलंकों क्या होते हैं, सौर कलंकों की संख्या बढ़ने पर सूर्य से तापमान प्राप्ति की स्थिति है, तो कैसी स्थिति है, अधिकतम ताप प्राप्ति की है। कैसी है, अधिकतम ताप प्राप्ति की हो जाएगी, सौर कलंकों की संख्या बढ़ेगी तो सूर्य के तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल में सामान्यता ताप परत दर है कितनी है, वायुमंडल में सामान्य ताप परत दर है वह कितनी है, यह आपको देखना है। 5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है, ठीक है, ये यहां पर बताया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। आगे देखते हैं कि मिलीबार नापने की एक इकाई कौन सी है, तो वह कौन सी हो जाएगी, वायुदाब नापने की हो जाएगी। कौन सी, वायुदाब नापने की हो जाएगी, मिलीबार नापने की एक इकाई है वायुदाब नापने की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, चिनूक और मिस्टल पवने हैं, कैसी पवनी है,
चिनूक और मिस्टल पबने कैसी हैं, ये अपनी स्थानीय पबने हो जाती हैं। कैसी? स्थानीय पबनी हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मानसून हवाओं को किस रूप में जाना जाता है, जो मानसून की हवाएं होती हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है, यहां पर देखना है। तो किस रूप में? मौसमी रूपों के, मौसमी पवनों के रूप में से जाना जाता है। आगे देखते हैं, जब मानसूनी है तो मौसमी पवनों के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 उच्च वायुदाब किन अक्षांशों में मिलता है, जो उच्च वायुदाब होता है वह किन अक्षांशों में मिलता है। तो सामान्य 30 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री कहां पर होगा? उत्तरी में होगा, और 7 डिग्री कहां होगा? दक्षिणी अक्षांशों में होगा। तो उच्च वायुदाब किन अक्षांशों में देखने को मिलता है? 60 डिग्री सेल्सियस उत्तर में, और सॉरी 30 डिग्री सेल्सियस उत्तर में और 60 डिग्री सेल्सियस दक्षिण में हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, विश्व में डोल्ड्रम या फिर शांत मंडल का फैलाव कहां है। कह रहा है विश्व में डोल्ड्रम या फिर शांत मंडल का फैलाव कहां है। तो 5 डिग्री कहां हो जाएगा? उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों में, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में है। कहां पर है? 5 डिग्री सेल्सियस उत्तर से 5 डिग्री सेल्सियस दक्षिणी अक्षांशों में, विषुवतीय रेखा रेखीय क्षेत्रों में हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है विश्व में कितने ताप कटिबंध हैं, विश्व में कितने ताप कटिबंध हो जाते हैं। तो वह हो जाते हैं, विश्व सामान्यता कितने होते हैं? 5 कटिबंधों में विभाजित किया गया है। तो टोटल कितने हैं भाई? 5 कटिबंध हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा सनातनी पवनों की प्रमुख प्रकार बताइएगा। सनातनी पवनों के कितने प्रकार होते हैं? तो भाई 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी? एक होती हैं व्यापारिक पवने, एक होती हैं पछुआ पवने, और एक होती हैं ध्रुवीय पवने। कौन कौन सी? व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने अपनी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का भाई आंसर दीजिएगा। इनमें से कौन सा जलवायु के तत्वों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, यहां पर आपको आंसर देना है भी, है ना? बिल्कुल फटाफट भाई आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या रहने वाला है। हाँ, तो राइट आंसर भी अपना कौन सा हो जाएगा बताइएगा, ठीक है। तो यहां पर देखा है इनमें से कौन सा जलवायु के तत्वों से सम्मिलित नहीं है, वायुदाब, वर्षा, तापमान या फिर जल प्रवाह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जल प्रवाह यहां पर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानसून शब्द है कैसा शब्द है, अरबी, उर्दू, हिंदी या फिर फ्रांसीसी। तो मानसून जो है वो कैसा शब्द हो जाएगा? ये एक अरबी शब्द हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखा है वायुमंडल में सबसे अधिक गैस होती है, कौन सी है भाई? तो वह कौन सी हो जाएगी? वायुमंडल में सबसे अधिक गैस हो जाएगी नाइट्रोजन। कौन सी हो जाएगी भाई? नाइट्रोजन हो जाएगी, है ना? बिल्कुल। कितने परसेंट होगी? ये हो जाएगी 78 पॉइंट, कितने हो जाएगी भाई? 78.98% हो जाएगी ना, इसी प्रकार से होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है? ऑक्सीजन होती है अपनी 21%, ठीक है। और अपनी हाइड्रोजन बाकी कुछ नहीं दे रखा है। और कार्बन डाइऑक्साइड पूछ लेता है तो कितनी होती है? 0.04% होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तीनों बता दिए। आगे देखते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी हो जाएगी आपको बताना है। तो कौन सी होगी? आयन मंडल, अक्षोमंडल या फिर ओजोन मंडल या फिर आती है आयन मंडल। तो इनमें से ही आपको बताना है, अधोमंडल हो जाएगी, आयन मंडल हो जाएगी, ओजोन मंडल हो जाएगी या फिर आयतन मंडल हो जाएगी। तो यहां पर कौन सा राइट रहने वाला है? तो वह हो जाएगी अधोमंडल। कौन सी हो जाएगी भाई? अधोमंडल यहां पर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। रखा है वायुमंडल की निचली परतों में सबसे कम तापमान किस समय होता है, वायुमंडल की निचली परतों में सबसे कम तापमान किस समय होता है, दोपहर, सूर्यास्त या उषाकाल या फिर सूर्योदय। तो यहां पर कौन सा राइट हो जाएगा भाई? देखा है वायुमंडल की निचली परतों में सबसे कम तापमान किस समय होता है, ये ऊषा काल के समय होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो व संचार तरंगे किस मंडल में परिवर्तित होती हैं, जो रेडियो व संचार तरंगे होती हैं वह किस मंडल में परिवर्तित होती हैं, यहां पर आपको बताना है। तो पहला दे रखा है अपना समताप मंडल में, दूसरा देखा है आयन मंडल में, परिवर्तन मंडल में या फिर ओजोन मंडल में। तो मध्य मंडल के बाद कौन सा आता है? आयन मंडल आता है। तो आयन मंडल में रेडियो तथा संचार तरंगे देखने को मिलती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? आयन मंडल यहां पर रहने वाला है। आगे देखते हैं, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं, क्या कहते हैं? परिवर्तन
परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, ग्रह मंडल या फिर ओजोन मंडल। तो सबसे ऊपरी परत जो होती है उसे क्या कहते हैं भाई, ग्रह मंडल होते हैं। सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ऑयन मंडल, फिर अपनी हो जाएगी ग्रह मंडल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी सनातन हवा है, कौन सी सनातन हवा है, यहाँ पर आपको बताना है चिनूक, ध्रुवीय पवने या फिर मानसून हवाएं या चक्र प्रति चक्रवात। तो यहां पर कौन सा रहने वाला है राइट, कह निम्न में से कौन सी सनातन पवने हैं, तो वह कौन से हो जाएंगे भाई, जो ध्रुवीय पवने हैं वह सनातन पवनों के अंतर्गत आती हैं। ध्रुवीय पवने कहां आती हैं, सनातन पवनों के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वायुमंडल की रचना हुई है, वायुमंडल की रचना हुई है किससे हुई है, गैसों के द्वारा, वायु द्वारा, जलवाष्प द्वारा, उपयुक्त में उपयुक्त सभी के द्वारा। तो यहां पर कौन सा राइट हो जाएगा भाई, ये तो सभी को पता है गैसों के द्वारा हुई है, जलवाष्प के द्वारा हुई है, वायु के द्वारा हुई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वायुमंडल की अल्प समय की औसत दशाओं के योग को कहते हैं, वायुमंडल की अल्प समय की औसत दशाओं के योग को क्या कहते हैं, जलवायु, ऋतु, मौसम या फिर आकाशीय दशाएं। तो यहां पर कौन सा राइट हो जाएगा, तो वायुमंडल की अल्प समय और औसत दशाओं के योग को क्या कहते हैं भाई, मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मौसम कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग यहां पर होने चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पवन नहीं है, तो स्थायी पवन कौन सी नहीं आपको बताना है, व्यापारिक, मानसून, पछुआ या फिर ध्रुवीय। तो यहां पर कौन सा राइट हो जाएगा, तो देखा है निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पवन नहीं है, तो व्यापारिक पवन स्थायी पवन होती है, मानसून या कछुआ या फिर ध्रुवीय। तो मानसून पवन जो है वो स्थायी पवन नहीं होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पछुआ हवाओं के अक्षांश बताइए, जो पछुआ हवा होती हैं उनके अक्षांश बताइएगा कितने से कितना होता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य, 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य, 10 डिग्री से 20 डिग्री के मध्य, 70 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य। तो याद रखा है पछुआ हवाओं के अक्षांश कितने होते हैं, 30 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य होते हैं, ये हमने इससे पहले भी देख रखा है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट की ओर। हाँ तो भाई सभी लोग यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है, नेक्स्ट यूनिट यहां पर स्टार्ट हो चुकी है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन का सभी लोग आंसर दीजिएगा कौन सा रहने वाला है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर वन का आंसर क्या होगा, देखिएगा देखा है क्वेश्चन नंबर वन। सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन से बादल मिलते हैं, सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन से बादल मिलते हैं, तो वह कौन से बादल मिलते हैं भाई, पच्छाव बादल मिलते हैं। कौन से पच्छाव बादल मिलते हैं सर्वाधिक ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। सर्वाधिक वर्षा कौन से बादल द्वारा होती है, सबसे ऊंचे कौन मिलेंगे, पच्छाव बादल। अब पूछ रखा है सर्वाधिक वर्षा कौन से बादलों के द्वारा होती है, तो वह होती है भाई कपासी बरसीले बादल। कौन, कपासी बरसीले बादल के द्वारा सबसे ज्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट रखा है जलवायु मौसमी तत्वों का कौन सा रूप है, जलवायु मौसमी तत्वों का कौन सा रूप है, तो जलवायु जो है वो मौसमी तत्वों का कौन सा रूप हो जाएगा, तो वह हो जाएगा दीर्घकालीन रूप। कौन सा हो जाएगा, दीर्घकालीन स्वरूप हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। रखा है चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख क्षेत्र है, चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित क्षेत्र है कौन सा है, वह हो जाता है बाताग्र क्षेत्र। कौन सा, बाताग्र क्षेत्र, यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। चक्रवातों के प्रमुख दो स्वरूप हैं, कैसे, चक्रवात के प्रमुख दो स्वरूप होते हैं कौन कौन से, एक होता है उष्ण और होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। एक होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, दो होते हैं स्वरूप चक्रवातों के। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। हरिकेन एक है, हरिकेन क्या है, ये अपना हो जाता है एक कौन सा, उष्ण, ध्यान रखना हरिकेन क्या है, एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, देख रहा है तुम्हारा। बाताग्र मुख्यतः किन क्षेत्रों में विकसित होते हैं, जो बाताग्र हैं वह मुख्यतः किन क्षेत्रों में विकसित होते हैं, तो वह होते हैं मध्य अक्षांशों में। किसमें होते हैं भाई, मध्य अक्षांशों में विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है तुम्हारा। बाताग्र का विकास किन दो वायु राशियों के परस्पर मिलने से होता है, बाताग्र का विकास किन दो वायु राशियों के परस्पर मिलने से होता है, तो वह होता है उष्ण एवं शीतोष्ण वायु राशियों के परस्पर
मिलने से। उष्ण और शीतल वायु वायु राशियों के परस्पर मिलने से किसका विकास होता है? वाताग्र का विकास होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात के मिलने के क्षेत्र बताइए, कहां पर होते हैं? शीतोष्ण यहां पर हमने क्या देखा था? वाताग्र के लिए। अब देखेंगे शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात के मिलने के क्षेत्र बताइए, तो वे कौन से? मध्य अक्षांश शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात के चलने के क्षेत्र हैं। कौन से? मध्य अक्षांश शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के चलने के क्षेत्र होते हैं। कौन से? मध्य अक्षांश। आगे देखते हैं शीतोष्ण की बात करेंगे तो ये मध्य अक्षांश के अंतर्गत चलते हैं। देखा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्राय किन क्षेत्रों में चलते हैं? अब देखा है यहां पर शीतोष्ण ने पूछा, अब यहां पर उष्ण पूछ लिया, तो उष्ण कहां चलते हैं? ये निम्न अक्षांश वाले में चलते हैं। कहां पर? निम्न अक्षांश वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में चलते हैं। वो चल रहे थे मध्य अक्षांश में और ये चल रहे हैं किसमें? निम्न अक्षांश में। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्नेडो किसका रूप है? जो टॉर्नेडो है वह किसका रूप है? यहां पर दे रखा है, पूछ रखा है आपसे, तो किसका है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का रूप है। किसका? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का रूप है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संवाह कौन सा है? संवहनिक वर्षा के क्षेत्र लिखिए, जो संवहनिक वर्षा होती है उनके क्षेत्र लिखना है, तो कौन सा हो जाएगा भाई? विषुवत रेखीय, जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है वो संवहनी वर्षा का क्षेत्र कहलाता है। विषुवत क्षेत्र जो होता है वो संवहनी वर्षा का क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, भारत के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, भारत के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं? दो ही हैं, मासिनराम है और चेरापूंजी है। सबसे अधिक वर्षा देखने को यहां पर मिलती है, ठीक है, जो कहां पर स्थित है? पूरब में स्थित है, असम साइड में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहां दे रखा है अपना मानसून वर्षा का मुख्य क्षेत्र है, जो मानसून वर्षा का मुख्य क्षेत्र है वह क्या है? तो वह हो जाता है दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में मानसूनी वर्षा का मुख्य क्षेत्र है। दक्षिण पूर्व और दक्षिण में मानसूनी वर्षा बहुत होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यह दे रखा है तुम्हारा वायु राशियों के प्रमुख प्रकार लिखिए, जो वायु राशियों के प्रकार होते हैं वो यहां पर आपसे पूछ रखा है कौन से होते हैं। तो उष्ण एवं शीतोष्ण स्थित बा आयस्थर उष्ण कटिबंधीय व ध्रुवीय वायु राशियों के प्रमुख प्रकार हैं। कौन से? उष्ण शीत तथा उष्ण बा शीत स्थित बा आयस्थर उष्ण कटिबंधीय बा ध्रुवीय वायु राशियों के प्रमुख प्रकार हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चनों की ओर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा, निम्न में से कौन सी सनातन हवा है? तो सनातन हवा कौन सी हो जाती है यहां पर आपको बताना है। ठीक है, सनातन हवा कौन सी हो जाएगी भाई? चिनूक, ध्रुवीय पवने, मानसून हवाएं या फिर प्रति चक्रवात। तो कौन से हो जाएंगे भाई? ध्रुवीय पवने हो जाएंगी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा रहने वाला यहां पर। आगे देखते हैं, कह रहा है कोहरा किसका स्वरूप है? कोहरा किसका स्वरूप हो जाता है? वर्षा का, हिम का, जल का या फिर आर्द्रता का? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोहरा जो होता है वो आर्द्रता का स्वरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात इन अक्षांशों में पाए जाते हैं। किन अक्षांशों में पाए जाते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो किन अक्षांशों में पाए जाएंगे? 30 से 60 या फिर 10 से 30, 60 से 85 या 0 से 10। तो हमने देखा था शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं वो किसमें? 30 डिग्री से 7 डिग्री सेल्सियस में पाए जाते हैं। ठीक है, 60 डिग्री पर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है चिनूक पवने किस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं? जो चिनूक पवने हैं वह किस क्षेत्र में प्रभावित होती हैं? फ्रांस की रोन घाटी में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर या फिर सहारा मरुस्थल में? तो चिनूक पवने किस क्षेत्र में प्रभावित होती हैं यहां पर आपको बताना है। जो चिनूक पवने होती हैं वो कहां पर होती हैं? उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत की पूर्वी ढालों पर देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, 5 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस एवं दक्षिणी अक्षांशों के डिग्री होगा, ये डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, ठीक है, 5 डिग्री से 35 डिग्री एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य चलने वाली स्थानीय पवनों का नाम लिखना है, वह क्या कहलाती हैं? मानसून, ध्रुवीय, व्यापारिक या फिर पछुआ पवने, क्या कहलाती हैं आपको यहां पर बताना है।
तो 5 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो बहती हैं उन्हें कहते हैं क्या, व्यापारिक पवने कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई, व्यापारिक पवने कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, याद रखा है वायुमंडल में प्रकाश की चमक का कारण है, वायुमंडल में प्रकाश की चमक का कारण क्या होता है, कोहरा, वर्षा, हिमताप या फिर त्वरित झंझा। तो यहां पर राइट आंसर क्या रहने वाला है, बिल्कुल, तो वायुमंडल में प्रकाश की चमक का जो कारण होता है वो होता है त्वरित झंझा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्षा की सबसे प्रमुख क्रिया है, वर्षा की सबसे प्रमुख क्रिया कौन सी हो जाएगी, बाष्पीकरण, त्वरित झंझा या फिर हो जाती है अपनी संगनन या फिर आंधी। तो यहां पर राइट आंसर क्या, सॉरी आंधी दे रखा है, ठीक है। वर्षा की सबसे प्रमुख क्रिया कौन सी हो जाती है, तो वह कैसी होगी, संगनन होगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का सबसे प्रभावी क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का सबसे प्रभावी क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, यहां पर देखा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मध्य पश्चिमी यूरोप या फिर भारत। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का सबसे प्रभावी क्षेत्र जो होता है वो होता है मध्य पश्चिमी यूरोप। कौन सा हो जाएगा, मध्य पश्चिमी यूरोप हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, अपना हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सी हवा ठंडी है, तो ठंडी हवा कौन सी हो जाती है, यहां पर आपको बताना है। पैद रखिए फाहन, सिरोको, बोरा या फिर चिनूक। तो देखा है निम्नलिखित में से ठंडी हवा कौन सी हो जाएगी, भाई हो जाएगी सिरोको। कौन हो जाएगी, सिरोको। चिनूक कहाँ होती है, रेगिस्तान में बहती है, तो ये तो गर्म हो जाएगी, ठीक है। तो सिरोको जो हो जाएगी बिल्कुल राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है वायु राशियों से संपन्न वाताग्र क्या है, वायु राशियों से संपन्न वाताग्र कितने प्रकार के होते हैं, वायु राशियों से संपन्न जो वाताग्र होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, 4, 3, 2 या फिर 5। तो कौन सा हो जाएगा भाई राइट, वायु राशियों से संपन्न वाताग्र कितने प्रकार के होते हैं, भैया 4 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, संवहनी वर्षा के प्रमुख क्षेत्र हैं, जो संवहनी वर्षा है उसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा होता है, आपको बताना है। यूरोपीय, विषुवत रेखीय क्षेत्र, ध्रुवीय या फिर मध्य एशियाई। तो यहां पर कौन सा राइट रहने वाला है, तो हो जाता है संवहनिक वर्षा के प्रमुख क्षेत्र कौन से हो जाएंगे, विषुवत रेखीय क्षेत्र हो जाएंगे। कौन से, विषुवत रेखीय क्षेत्र हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखा है तुम्हारा हरिकेन किसका मुख, किसका रूप है, जो हरिकेन है वह किसका रूप है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन देख रखा है। तो हरिकेन किसका रूप हो जाएगा, वायु राशि का, वाताग्र का, चक्रवात का या फिर प्रति चक्रवात का। तो इससे पहले हमने देखा था, तो ये हो जाता है चक्रवात का रूप हो जाता है हरिकेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की ओर। हाँ तो नेक्स्ट यूनिट क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन का भी सभी लोगों को यहाँ पर आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व की सबसे गहरी एवं विशाल श्रेणियां हैं, विश्व की सबसे गहरी तथा विशाल श्रेणियां कौन सी हो जाती हैं, तो वह हो जाती है महासागर। कौन सी हो जाएगी भाई, महासागर हो जाएगी विश्व की सबसे गहरी व विशाल श्रेणियां। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, महाद्वीपों के किनारे समुद्र में डूबे, याद रखा है जलमग्न हुए भाग को कहा जाता है, महाद्वीपों के किनारे समुद्र में डूबे हुए भाग को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है महाद्वीपीय भग्न डाल। क्या, महाद्वीपीय भग्न डाल यहां कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा है विश्व की सबसे बड़ी समुद्री जलमग्न कटक का नाम है, तो वह कौन सी कटक है, आपको बताना है। विश्व की सबसे बड़ी समुद्री जलमग्न कटक का नाम कौन सा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा मध्य अटलांटिक कटक। कौन सा, मध्य अटलांटिक कटक चैलेंजर। राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के समुद्रों में सबसे गहरा गर्त है, विश्व के समुद्रों में सबसे गहरा गर्त कौन सा हो जाएगा, तो वह होता है मैरियाना ट्रंच, मतलब मैरियाना गर्त। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,035, ठीक है, मीटर गहरा हो जाएगा मैरियाना ट्रंच। आगे बढ़ते हैं, विश्व का सर्वाधिक गहरा महासागर है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा हो जाएगा, तो वह हो जाता है प्रशांत महासागर। कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चैगो समुद्री कटक किस महासागर का भाग है? जो चैगो समुद्री कटक होता है वह किस महासागर का भाग है? तो वह हो जाता है हिंद महासागर का भाग। किसका? हिंद महासागर का भाग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, विश्व का सबसे अधिक लवणता वाला सागर है, विश्व का सबसे अधिक लवणता वाला सागर कौन सा हो जाएगा? तो वह है मृत सागर। कौन सा है भाई? वह हो जाएगा मृत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम कौन सा है? विश्व की बात कर रहा है तो कौन सी होगी? बैकाल झील हो जाएगी मीठे पानी की। ठीक है, अगर विश्व की बात करेगा तो हो जाएगी बैकाल, अगर भारत की बात करेगा तो हो जाएगी बूलर, जो कहां पे है? जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विश्व के समुद्रों में चलने वाली तीव्रतर एवं गर्म धारा का नाम बताना है। विश्व के समुद्रों में कहाँ चल रही है? समुद्रों में चल रही है। विश्व के समुद्रों में चलने वाली तीव्रतर एवं गर्म धारा का नाम कौन सा है? तो वह हो जाता है गल्फ स्ट्रीम। कौन सा है? गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम आगे देखिएगा 10। यहां रखा है समुद्रों में सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला नमक का नाम है। सबसे अधिक मात्रा में कौन सा नमक मिलता है? तो उसका नाम कौन सा हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। आगे देखते हैं, विश्व के समुद्रों की औसत लवणता कितनी है? विश्व के समुद्रों की औसत लवणता कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 35%। कितनी हो जाएगी भाई? 35% हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है तुम्हारा, फॉकलैंड की ठंडी धारा किस समुद्री क्षेत्र में चलती है? फॉकलैंड की ठंडी धारा किस समुद्री क्षेत्र में चलती है? तो यह चलती है दक्षिणी पश्चिमी अंध महासागर में। किसमें? दक्षिणी पश्चिमी अंध महासागर में चलती है फॉकलैंड की ठंडी धाराएं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, उधर क्या ज्वार भाटा का सबसे बड़ा कारण है? ज्वार भाटा का सबसे बड़ा कारण कौन सा होता है? तो होता है चंद्रमा का आकर्षण शक्ति ज्वार भाटा का कारण होता है। जो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति होती है वही ज्वार घाटा का कारण होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, याद रखा है समुद्रों में 24 घंटे 52 मिनट, क्या? समुद्रों में 24 घंटे 52 मिनट में एक ही स्थान पर कितनी बार ज्वार भाटा आता है? तो इसका आंसर देना है समुद्रों में 24 घंटे 52 मिनट में एक ही स्थान पर कितनी बार ज्वार भाटा आता है? तो आता है दो बार ज्वार तथा दो बार भाटा देखने को मिलता है। कितनी? दो बार ज्वार और दो बार भाटा देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, समुद्रों में सबसे ऊंचा ज्वार किस तिथि को आता है? समुद्रों में सबसे ऊंचा ज्वार जो होता है वह किस तिथि को आता है? तो यह हो जाएगा प्रत्येक माह की पूर्णिमा को समुद्र में सबसे ऊंचा आता है। प्रत्येक माह की पूर्णिमासी को, मतलब पूर्णिमा भी कह सकते हैं, पूर्णमासी भी कहते हैं, तो पूर्णमासी को समुद्र में सबसे ऊंचा ज्वार देखने को मिलता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रबाल से बनी सबसे विशाल एवं लंबी भित्ति कहां पर फैली है? प्रबाल से बनी सबसे विशाल, जो शैवाल होते हैं उनसे बनी सबसे विशाल तथा लंबी भित्ति कहाँ पर फैली है? तो ये हो जाती है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया सागरीय क्षेत्र के ग्रेट बैरियर रीफ पर। कहाँ पर? पूर्व ऑस्ट्रेलिया सागर क्षेत्र के ग्रेट बैरियर रीफ पर देखने को मिलती है शैवाल की सबसे विशाल भित्ति। ठीक है, लंबी भित्ति तथा विशाल। आगे देखते हैं, नेक्स्ट रखा है तुम्हारा, महासागरों एवं सबसे गहरे भागों में निक्षेपित अवसाद को क्या कहा जाता है? महासागरों एवं सबसे गहरे भागों में निक्षेपित अवसाद को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गहन सागरीय निक्षेप कहा जाता है। क्या? गहन सागरीय निक्षेप कहा जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहां देखा है सूर्य का प्रकाश सामान्यतः समुद्रों में कितनी गहराई तक प्रवेश होता है? सूर्य का प्रकाश सामान्यतः समुद्रों में कितनी गहराई तक प्रवेश करता है? तो वह हो जाएगा 100 फैदम। क्या? 100 फैदम, या कह सकते हैं 200 मीटर की गहराई तक प्रवेश कर पाता है सूर्य का प्रकाश। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, सार गैसो सागर किस महासागर में स्थित है? जो सार गैसो सागर है वह किस महासागर में स्थित है? तो वह हो जाता है उत्तरी अंध महासागर में। कौन सा? उत्तरी अंध महासागर में स्थित है सार गैसो सागर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हो जाता है, जलमंडल का विस्तार कितने प्रतिशत भूभाग पर है?
जलमंडल का जो विस्तार है वो कितने प्रतिशत भूभाग पर हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 71.7% पर। क्या है भाई? जल है। क्या है? जल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? याद रखा है लेब्राडोर की धारा, या फिर फॉकलैंड, याद रखा है क्यूराइल, या फॉलीरिडा। तो यहां पर कौन सी हो जाएगी गर्म धारा? तो कौन सी हो जाएगी भाई? फॉलीरिडा की जो धारा है वो कैसी है? गर्म धारा हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, ज्वार का कारण है। ज्वार का कारण क्या होता है? पवनों का चलना, या फिर ज्वालामुखी फूटना, सूर्य चंद्रमा के सो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, या सॉरी सूर्य चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, या फिर गुरुत्वाकर्षण। तो ज्वार का कारण क्या होता है? ये होता है सूर्य चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा भाई? घा रहने वाला है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है, पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर है, तो वह कौन सा हो जाएगा? इससे पहले भी हमने देखा था, तो वह हो जाएगा प्रशांत महासागर। कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर यहां पर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे अधिक लवणता वाला सागर है? लाल, बाल्टिक, अरल, या फिर अरब सागर। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? सबसे अधिक लवणता वाला सागर कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा लाल सागर। हो जाए क्या? हो जाएगा लाल सागर हो जाता है। इसमें लाल शैवाल पाए जाते हैं, वह बहुत एग्जाम में पूछा आता है, ठीक है, कंप्लीट वाले में। तो बात करते हैं, निम्न में से कौन सी गर्म गर्म धारा है? निम्न में से कौन सी गर्म धारा है वो आपको बताना है। क्यूराइल, क्यूरोसिबो, या फिर हो जाता है बैगुला धारा, या फिर दे रखा है लेब्राडोर। तो यहां पर कौन सा राइट रहने वाला है? निम्न में से कौन सी गर्म धारा है? गर्म धारा तो कौन सी हो जाएगी भाई? क्यूरोसिबो हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? क्यूरोसिबो हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मृत सागर स्थित है कहां पर? है यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, या फिर दक्षिणी अमेरिका। तो मृत सागर कहां पर स्थित है यह आपको बताना है। तो मृत सागर कहां हो जाएगा? दक्षिणी पश्चिमी एशिया में हो जाएगा स्थित मृत सागर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला? क्वेश्चन कह रहा है, क्यूराइल धारा का किस महासागर से घनिष्ठ संबंध है? क्यूराइल धारा का किस महासागर से घनिष्ठ संबंध हो जाएगा? तो इसका आंसर देना है क्या राइट होगा। अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, इनमें से कोई नहीं। क्यूराइल धारा का किस महासागर से घनिष्ठ संबंध है? तो वह हो जाएगा सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर से। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाल भित्ति तथा तट के मध्य उथले एवं संकरे संकरे जल भाग को कहा जाता है। प्रवाल भित्ति तथा तट के मध्य उथले एवं संकरे जल भाग को कहा जाता है, क्या कहते हैं? पुलिन, या फिर एटाल, लैगून, या फिर कटक। तो यहां पर कौन सा राइट हो जाएगा? तो प्रवाल भित्ति तथा तट के मध्य मध्य उथले एवं संकरे जल भाग को क्या कहते हैं भाई? लैगून कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, प्रवाल भित्तियां बहुतायत में मिलती हैं। प्रवाल भित्तियां जो होती हैं वो बहुतायत में कहाँ मिलती हैं? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, या फिर भूमध्य महासागर। तो प्रवाल भित्तियां जो होती हैं बहुतायत मात्रा में कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं अटलांटिक महासागर में। कहाँ मिलेंगी भाई? अटलांटिक महासागर में बहुतायत मात्रा में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, दे रखा है तुम्हारा कि एल नीनो कौन है? एल नीनो का किस महासागर में घनिष्ठ संबंध है? एल नीनो का किस महासागर से से घनिष्ठ संबंध हो जाएगा? तो देखा है आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, या फिर प्रशांत महासागर। तो यहां पर कौन सा राइट हो जाएगा? एल नीनो का किस महासागर से घनिष्ठ संबंध है? तो वह किससे हो जाएगा भाई? हिंद महासागर से हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। नेक्स्ट को देखते हैं, विश्व की सबसे अधिक सागरीय लवणता मिलती है। विश्व की सबसे अधिक सागरीय लवणता किसमें मिलती है? मृत सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, या लाल सागर में। तो यहां पर कौन सा राइट हो जाएगा भाई? विश्व की सबसे अधिक सागरीय लवणता किसमें मिलती है? मृत सागर में देखने को मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर
का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तुम्हारा, समुद्री जल में सबसे अधिक गति होती है, समुद्री जल में सबसे अधिक गति होती है लहर, प्रवाह, धारा या फिर स्ट्रीम की, तो यहां पर कौन सा राइट होगा। समुद्र जल में सबसे अधिक गति किसकी होती है भाई, स्ट्रीम की होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की ओर। हाँ तो भाई क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो चुकी है, तो भाई इसका आंसर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है भाई, इसको फिर प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्या करते हैं भाई, छोटा करते हैं। अब देख क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर क्या रहने वाला है, देखा तुम्हारा जीव मंडल के दो प्रमुख घटक होते हैं, कौन कौन से होते हैं। जीव मंडल के दो घटक होते हैं, एक होता है अजैव मंडल और एक होता है कौन सा, अजैविक होता है, और एक जैविक संघटक होता है। सॉरी संघटक पूछ रखे ना, मंडल नहीं पूछ रखा है। तो रखा है जीव मंडल के कितने संघटक होते हैं, तो एक होता है अजैविक और एक होता है जैविक संघटक, दो से मिलकर बना होता है जीव मंडल संघटकों से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व में पाए जाने वाले किस तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो किस तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो हमने देखा था किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा 70, सॉरी क्या कह रहा है, विश्व में पाए जाने वाले किस तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो यहां पर तो ऑक्सीजन दे रखा है ना, कोई बात नहीं, तत्व की बात कर रहा है तो ऑक्सीजन हो सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने किया था भाई, ये कहता बर्नार्डस्की ने, किसने, बर्नार्डस्की ने, बर्नार्डस्की ने। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बर्नार्डस्की। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, बर्नार्डस्की ने किया था। आगे बढ़ते हैं, यहां देखा है उत्पादक घटक कहलाते हैं, जो उत्पादक घटक होते हैं वह कौन कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं हरे पौधे। उत्पादक कौन कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में सर्वाधिक द्रव्यमान या भार वाला पारितंत्र है, विश्व में सर्वाधिक द्रव्यमान या भार वाला पारितंत्र कौन होता है, तो आपको पता है वन क्षेत्र पारितंत्र जो है वो सबसे भार वाला पारितंत्र हो जाता है। आगे देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता किस पारितंत्र में मिलती है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता किस पारितंत्र में मिलती है, तो वह मिलती है समुद्री पारितंत्र में। किसमें, समुद्री पारितंत्र, विविधता देखने को मिलेगी तो समुद्री पारितंत्र के अंतर्गत देखने को मिलने वाली है। आगे देखते हैं, विश्व की सबसे कम जैव विविधता वाला पारितंत्र है वह कौन सा हो जाएगा, मरुस्थलीय पारितंत्र हो जाएगा, क्योंकि समुद्र के अंदर बहुत सारे हजारों लाखों अरबों मिलियनों क्या होते हैं, कीड़े निवास करते हैं ना, बहुत बहुत जातियों के, तो वहां पर भिन्नता देखने को मिलती, विविधता देखने को मिलती है, कम देखने को मिलती है मरुस्थल पर, है ना, जमीन पर हमारे। आगे बढ़ते हैं, विश्व का स्थायी पारितंत्र है, स्थायी पारितंत्र कौन सा है, तो वो जाता है पर्वतीय क्षेत्रों का पारितंत्र। ये कैसा होता है, स्थायी पारितंत्र होता है। ठीक है, कैसा होता है भाई, ये स्थायी पारितंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सभी उपभोक्ताओं में सर्वप्रथम उच्च उपभोक्ता है कौन सा है, विश्व में सभी उपभोक्ताओं में से सर्वाधिक उच्च उपभोक्ता कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बाज पक्षी। कौन हो जाएगा भाई, बाज पक्षी यहां पर उपभोक्ता हो जाएगा, आप फिर तो अपघटन करता जाएंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, पारिस्थितिकी के प्रमुख विचारक थे, पारिस्थितिकी के प्रमुख विचारक कौन थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, है ना, पारिस्थितिकी के प्रमुख विचारक कौन हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं तुम्हारे कौन, टेंसले। कौन हो जाएंगे भाई, टेंसले हो जाएंगे। आगे देखते हैं, सरोवर पारितंत्र का सबसे प्रमुख भौतिक घटक है, सरोवर पारितंत्र का सबसे प्रमुख भौतिक घटक कौन सा है, तो वह हो जाएगा जल की मात्रा। कौन हो जाएगा भाई, जल की मात्रा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वन पारितंत्र का सबसे प्रमुख जैविक घटक है, वन पारितंत्र का सबसे प्रमुख जैविक घटक कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वृक्ष समुदाय। कौन हो जाएगा भाई, वृक्ष समुदाय हो जाएगा, वन पारितंत्र का सबसे जैविक घटक हो जाएगा वृक्ष समुदाय। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कह रहा है इनमें से कौन सा अपघटक नहीं है, तो कौन सा अपघटक नहीं है, आपको बताना है खरगोश, कौवा, चील या फिर गिद्ध, तो कौन सा अपघटक नहीं है, यहां पर आपको बताना है, तो अपघटक कौन सा नहीं है भाई, खरगोश अपघटक नहीं है। ठीक है, यह प्रथम उपभोक्ता हो जाता है, अपघटक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीव मंडल का सबसे प्रभावशाली कारक है, जीव मंडल का सबसे प्रभावशाली कारक कौन सा हो जाएगा, सूर्य ताप, आर्द्रता, जल या भूमि, यहां पर कौन सा राइट रहने वाला है,
तो जीव मंडल का सबसे प्रभावशाली कारक कौन हो जाएगा? सूर्य का ताप हो जाएगा। कौन हो जाएगा भाई? सूर्य का ताप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे ग्रहण करते हैं, क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या फिर नाइट्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 में पाई तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भाई, पारी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था 1935 में? तो वे कौन हो जाते हैं? अभी हमने देखा था, टॉन्सले। कौन हो जाएंगे भाई? टॉन्सले हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट को देखते हैं, सबाना जीबोन, ठीक है, कौन है? सबाना जीबोम किस क्षेत्र में अत्यधिक विकसित होता है? जो सबाना जीबोम है वो किस क्षेत्र में अत्यधिक विकसित होता है? तो पहला रखा है तुम्हारा सहारा मरुस्थल, मध्य भारत, टुंड्रा क्षेत्र या फिर ट्रेगा क्षेत्र। तो यहां पर कौन सा राइट रहने वाला है? तो कह रहा है तुम्हारा सबाना जीबोम जो होता है वो कहां होता है? ये होता है सहारा मरुस्थल के अंतर्गत। कहां पर? सहारा मरुस्थल के अंतर्गत देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, सरोवर पारितंत्र में सर्वाधिक योगदान है किसका है? मछलियों का, सूर्य का, मृदा का या फिर शैवाल वनस्पति का? तो यहां पर कौन सा राइट हो जाएगा? कह रहा है सरोवर पारितंत्र में सर्वाधिक योगदान किसका हो जाएगा? तो वह अपना होता है शैवाल वनस्पतियों का। किसका हो जाएगा? शैवाल वनस्पतियों का होता है सरोवर पारितंत्र में सर्वाधिक योगदान। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, इसको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत के मध्य पश्चिम भाग में फैले जीबोम का नाम है। तो भारत के मध्य पश्चिम भाग में फैले जीबोम का नाम कौन सा है? टुंड्रा, ट्रेंगा, सबाना या फिर हो जाता है भूमध्य सागरीय। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा राइट? यहां पर कौन सा हो जाएगा भाई राइट? तो भाई हो जाएगा अपना सबाना। कौन सा हो जाएगा? सबाना। मध्य पश्चिम क्षेत्र में कौन सा हो जाएगा? सबाना जीबोम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जीव मंडल का सबसे प्रभावशाली कारक है, जीव मंडल का सबसे प्रभावशाली कारक कौन सा हो जाएगा? सूर्य, ताप, आर्द्रता, जल या फिर भूमि। तो यहां पर कौन सा राइट होगा भाई? जीव मंडल का सबसे प्रभावशाली कारक, इससे पहले हमने पढ़ा था, कौन सा हो जाएगा भाई? सूर्य ताप हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का रहने वाला है। नेक्स्ट को देखते हैं, कह रहा है जीव मंडल के सबसे प्रमुख विद्वान हैं, जीव मंडल के सबसे प्रमुख विद्वान कौन हो जाएंगे? तो पहला देखा है नवास्की, डार्विन, मूर या फिर इम्बांस। तो यहां पर कौन हो जाएंगे जीव मंडल के सबसे प्रमुख विद्वान हो जाएंगे तुम्हारे? कौन? बर्नार्ड्स्की। कौन हो जाएंगे? बर्नार्ड्स्की हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पारिस्थितिकी विकास की मूल धारणा है, पारिस्थितिकी विकास की मूल धारणा कौन सी है? संतुलित पारिस्थितिकी विकास, या देखा है संबित पारिस्थितिकी विकास, सतत पारिस्थितिकी विकास या फिर यह सभी। तो यहां पर कौन सा रहने वाला है? पारिस्थितिकी विकास का मूल धारणा है, तो वह कौन सी हो जाएगी? यह सभी रहने वाली है। संतुलित पारिस्थितिकी विकास भी हो जाएगा, देखा है संबंधित पारिस्थितिकी विकास भी हो जाएगा और सतत पारिस्थितिकी विकास भी हो जाएगा। तो तीनों की तीनों यहां पर राइट रहने वाला है। आगे दे रखा है, जीव मंडल के सबसे प्रमुख विद्वान हैं, जीव मंडल के सबसे प्रमुख विद्वान कौन हो जाते हैं? इसको देखिएगा, पहला देखा है बर्नार्ड्स्की, डार्विन, मूर या फिर इम्बांस। तो यहां पर भी कौन रहने वाले हैं? बर्नार्ड्स्की ही रहने वाले हैं जीव मंडल के सबसे प्रमुख विद्वान। आगे देखते हैं, देखा है उत्तरी अमेरिका में कौन सा प्राणी प्रदेश फैला है? उत्तरी अमेरिका में कौन सा प्राणी प्रदेश फैला है, ये आपको बताना है। पहला देखा है पहली आर्कटिक, दूसरा देखा है ओरिएंटल, तीसरा देखा है तुम्हारा नियोआर्कटिक और एथोपियन। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा भाई राइट? ठीक है, यहां पर कौन सा हो जाएगा राइट? तो कौन सा हो जाएगा भाई? नियोआर्कटिक यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो कहां पर फैला है? उत्तरी अमेरिका में कौन सा प्राणी प्रदेश फैला है? तो वह फैला है नियोआर्कटिक। कौन सा? नियोआर्कटिक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है कौन सी जीव मंडल का घटक नहीं है? कौन सा जो है वो जीव मंडल का घटक नहीं है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल या फिर सौर मंडल। तो सौर मंडल पर जीव नहीं जाते हैं, तो यही क्या है? जीव मंडल का घटक नहीं है। आगे देखते हैं, कौन सा तत्व अजैविक है? मनुष्य, मृतजीवी, परजीवी या फिर कार्बन।
कौन सा तत्व अजैविक है, तो जो कार्बन है वो कैसा है, अजैविक तत्व हो जाता है। नेक्स्ट को देखो, पोषण स्तर को मानकर मानव किस श्रेणी में आता है, पोषण स्तर को मानकर मानव किस श्रेणी में आता है। पहले देखा है स्वपोषी, परपोषी, मांसाहारी, सर्वाहारी, तो भाई मानव कैसा होता है, सर्वाहारी होता है। तो यहां पर जो होते हैं हमारा जियो, ये क्या था भाई, जियोग्राफी है ना, जियोग्राफी देख रहे, तो जियोग्राफी, हाँ जियो तो है ना, भौतिक तो है, भूगोल तो है ही, तो जियोग्राफी जो हो चुका है वो हमारा समाप्त हो चुका है। तो हमने सारी की सारी यूनिटों के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। अगर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर अगर आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। टोटल एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिएगा, आपका कम से कम यहां से देखने को मिलेगा 95% क्वेश्चन। मैं कम से कम श्योर हूं कि भाई 85% क्वेश्चन यहां से आपको 100% देखने को अपने एग्जाम में मिलने वाले हैं। अगर आपका 100 का है तो आपके 85 क्वेश्चन, 80 से 85 क्वेश्चन आपको देखने को यहां से मिलने वाले हैं डायरेक्टली। ठीक है, कैसे डायरेक्टली देखने को मिलने वाले हैं, एक दो क्वेश्चन अगर थ्योरी में से घुसेड़ देता है तो बात अलग है। ठीक है, बिल्कुल। तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और बहुत ही अच्छे प्रकार से पढ़ लेना है सारे के सारे क्वेश्चनों को। एक एक क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाला है बिल्कुल। ठीक है, टेंशन कुछ नहीं लेना है, बस इन्हीं क्वेश्चनों को रिवाइज करते रहना है। तो फिर जय हिंद, जय भारत।